अस्सलाम वालेकुम खवातीनों हजरात, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको देसी मीडिया जर्मनी में, और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी, और आज एक और नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्मनी के शहर कोल्न में, और यहाँ पर 14 अगस्त का एक इवेंट मनाया जा रहा है। आइए चल के देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। अलैकुम। आज 14 अगस्त के मौके पे हम कोल्न में मिले और बहुत अच्छा इंतज़ाम था, तो यहाँ या कोल्न के बुर्गरमाइस्टर आए और उन्हें ये फूल पेश किए गए। अजीब इत्तेफाक है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरकल्चरल हनी फ्लो होनिश फ्लोस, तो उन्होंने कहा ये आपकी शहद की मक्खियों के लिए है, क्योंकि हमारा जो प्रेम्बल है, हमारा जो मकसद है हमारे काम का, ये कि हम सब शहद की मक्खियाँ हैं और हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो छत्ते हैं वाबन, और हमारा काम जो है वो शहद प्रोड्यूस करता है जो कि सोसाइटी के लिए मीठा और सेहतमंद है। तो उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारे एनजीओ इंटरकल्चरल होनिश फ्लोस और रोशनी एसोसिएशन और जो 5 स्कूल हमारे पाकिस्तान में हैं और द बगेगनुम हैबिटन में, उसके लिए फूल दिए। ये 14 अगस्त का इवेंट जो था ये बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए ये बहुत ही कामयाब और बहुत अच्छा था कि जर्मनी के कमोबेश 500-600 किलोमीटर दूर से भी लोग जो हैं वो इस इवेंट में आए, और ये एक बहुत कामयाब इवेंट रहा जिसमें पाकिस्तान की एम्बेसी कौंसलेट के लोग थे, यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियंस थे, यहाँ का मेयर यहाँ आया और बहुत सी फैमिलीज यहाँ पर आई। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्यारा और कामयाब प्रोग्राम था, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो हमेशा होते रहेंगे। वालेकुम, क्या हाल है जी? और चले बहुत सारे ये जो फरन स्टालचुंग या मेले होते हैं उनसे हमें दोबारा मुलाकात करने का मौका मिलता है और सबकी सेहत तंदुरुस्ती का पता चलता है, लेकिन आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है पाकिस्तान के लिए। मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी जब बुरी खबरें आती हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि ना मैं ना आप तो फिर कौन है जो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी करता है। तो आइए हम सब मिलके दुआ करते हैं और अपने अपने तरीके से कोशिश भी करते हैं। मेरी इसी से बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, अरे खुदा मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के लोगों को सहूलत दे, आसानियां दे, परेशानियों से दूर रख, आमीन। इसी से मैं खुदा हाफिज कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का। आज का इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स, और इनकी कोविश रंग लेके आई है, और इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए क्योंकि बहुत लिमिटेड इवेंट हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को जोड़ के रखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये इस ऐसे इवेंट्स जो आज करवाया गया है कोल्न में, ये दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हमारी कम्युनिटी भी मिल के रह सकती है, और बहुत पोटेंशियल है जब हम मिल के रहेंगे और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। और ये इवेंट्स और इस तरह के जो शोज़ हैं जहाँ पे आप कल्चर सीख रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, और यही खूबसूरती है इस किस्म की तकरीबात की। मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ, और मेरी इवन की अपनी फैमिली और अपनी बहनों को भी कहता हूँ जितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं जर्मनी में, नॉर्वे में, जहाँ जहाँ आप जर्मनी में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे का सहारा बने, और इसी तरह मिल के अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तभी हमारी पहचान होगी। अकेले रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, मिल बांट के रहें, खुशियाँ बांटें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत इस बहुत अच्छे मौके पर ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो मैनेज किया है कोल्न के अपना मैनेजमेंट है,
इसमें बहुत मजा आया इस प्रोग्राम का। अभी चल रहा है सिलसिला, लेकिन जो हमने देखा है माशाल्लाह, इस दफा पीछे से भी इन लोगों ने अच्छा इंतजाम किया इस प्रोग्राम का। तो जिन जिन लोगों ने मिस किया है, इंशाल्लाह अगली दफा दोबारा आए और इससे भी बेहतर होगा प्रोग्राम। और हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके, मतलब एक खाना भी अच्छा था और म्यूजिक भी अच्छा था और पहले से ज्यादा एंटरटेनमेंट हमें मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आज के इवेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आया, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी सारे, कोई भी मिस नहीं हुआ। और पाकिस्तान की 76th इंडिपेंडेंस डे को हमने सेलिब्रेट किया। सारी फैमिलीज़ के लिए प्रोग्राम था, किड्स के लिए प्रोग्राम था और मैं हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मेरी मिसेज कोई बात करेंगी। थैंक यू। मैं आज के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए नहीं कि लोग एक दूसरे से मिल सकें, बल्कि इस ताल्लुक को बहुत देर तक लेकर चलते हैं और नेटवर्किंग का सिलसिला बनता है। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जो टीम इन्वॉल्व है, उससे बहुत सी नई फैमिलीज इन्वॉल्व हुई हैं आपस में जो मिल रही हैं। और सबसे बात कि इन्होंने जिस अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। इट वॉज अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस हियर, इवन दो दैट वॉज माई सेकेंड टाइम कि मैंने इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिल के मज़ा किया है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा इसमें मज़ा आया होगा। एंड थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई एम रियली वेरी I really want to say congratulations for the team और जिनकी इतनी ज़्यादा काविशों, मेहनत और जद्दोजहद के बाद ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। इट वॉज रियली लवली इवन और कंग्रेचुलेशंस आप सबको, हमाद को, उनकी टीम को, इयाज भाई को, सना को, सबको। और अब आई एम गोइंग टू हिम, लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से। अच्छा जी, थैंक यू फ्रॉम माय साइड एज वेल। काफी खुशी इतने ज्यादा लोगों को देखे, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जो सेंटिमेंट्स हैं उससे काफी हमें बैकलैश भी आया था कि हमें ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आई मीन वी हैव रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। अराउंड आई थिंक देयर वर मोर देन 200 पीपल। तो काफी डाइवर्स प्रोग्राम था आज का। उसमें आपने देखा सूफी म्यूजिक टच भी था, पॉप म्यूजिक भी था, उसमें बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी थी, खाना बड़ा जबरदस्त था। इसके अलावा सबसे खास बात जो आज के इवेंट की ये थी कि हमारे पास जो है क्लोन के मेयर भी आए हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान एम्बेसी से रिप्रेजेंटेशन थी, पाकिस्तान ऑर्डिनरी काउंसिल नारवे की भी रिप्रेजेंटेशन थी। ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट इवेंट और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सच ग्रेट इवेंट्स इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू फॉर कमिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।